हेलो गाइस, आज मैं एक और वीलॉग लेके आई हूँ आपके लिए गोवा का। और आज हम गए हैं कैंडलिम बीच। कैंडलिम बीच फेमस है वाटर स्पोर्ट्स के लिए। और भी हम एक दो बीचेस गए थे, वहाँ पर हमने वाटर स्पोर्ट्स का पता किया, लेकिन वहाँ पर अभी वाटर स्पोर्ट्स नहीं चल रहे हैं, केवल यहीं पर चल रहे हैं। तो इसीलिए हम कैंडलिम बीच आए हैं। और वैसे ये कैंडलिम बीच बहुत साफ़ सुथरा है, आप देख ही रहे होंगे, इसका पानी भी बहुत अच्छा है, साफ है। और ये मेरी बिटिया ने आई लव गोवा लिखा है और मेरी बिटिया तो बहुत इंजॉय कर रही है गोवा को। और फिर इसके बाद इन्होंने थोड़ा जेट स्काई का पता करा, रेट वगैरह ये थोड़ा बार्गेनिंग कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर बार्गेनिंग बहुत चलती है, तो आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बार्गेन जरूर कीजिएगा। तो ये मेरा बेटा जेट स्काई में बैठ रहा है और इधर मेरे हस्बैंड, हम दोनों अभी इधर ही रहेंगे, हम लोग नहीं करेंगे कोई भी वाटर स्पोर्ट, बिकॉज मेरी अभी बेटी छोटी है तो उसको अलाउड नहीं है। और ये देखिए, मुझे तो वैसे इन दोनों को देखकर थोड़ा डर ही लग रहा है। और आप देखिए किस तरीके से, कितना सुपर फास्ट ये लोग लेके जाते हैं, क्योंकि बहुत प्रोफेशनल हैं, डरने की कोई बात नहीं है। और ये अपनी जैकेट वगैरह भी देते हैं, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है, काफ़ी प्रोफेशनल हैं। और ये देखिए, और मेरे बेटे को तो इस टाइम बहुत मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि उसको इस तरह की चीज़ें, एडवेंचरस चीज़ें बहुत पसंद हैं। और ये देखिए वो कितना घुमा कर लेकर गए हैं। और देखिए ये जो पैरासीलिंग राइड होती है, ये दो तरीके से हो सकती है, आप यहाँ पर किनारे पर भी कुछ लोग करवाते हैं और कुछ लोग समुद्र के थोड़ा सा अंदर, जिस तरीके से ये लोग जा रहे हैं जेट स्काई से, उस तरीके से भी कुछ लोग पैरासीलिंग करवाते हैं। और इधर मैं बिटिया के साथ एक बहुत अच्छा सा कासल बना रही हूँ, और बार बार पानी आता है और उसके कासल को तोड़ देता है, लेकिन फिर भी उसने किसी तरीके से मैनेज किया है और बहुत सुंदर कासल तैयार किया है। यहाँ की लहरें थोड़ा तेज हैं, तो इसीलिए आप इसको बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जा सकते, बच्चों के साथ थोड़ा किनारे पर ही रहकर आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और ये भी थोड़ा सोच रही थी बिटिया भी कि मैं भी जेट स्काई करूं, लेकिन अभी उसको अलाउ नहीं किया गया है। और ये देखिए काफ़ी बड़ा सा इसने कासल बनाया है कि पानी आएगा और यहाँ तक रुकेगा, कुछ इस तरह का। और फिर इसके बाद देखिए, मैंने इनकी फ़ोटोज़ क्लिक करी हैं, थोड़ा सा अंदर जाकर ये लोग पैरासीलिंग करवाते हैं, तो मैं किनारे से फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ। और वैसे ये भी फ़ोटो क्लिक करके आएंगे, वो भी मैं वीडियोस एंड फ़ोटोज़ डाल दूँगी। और ये मेरा बेटा आ गया है पैरासीलिंग करके और उसको बहुत अच्छा लगा है। और ये तो जेट स्काई से ही आया था, लेकिन मेरे हस्बैंड बोट राइड करके आए हैं, ये देखिए वो भी आ गए हैं। और ये फोटोज जो इन्होंने वीडियोस वगैरह बनाई थी, ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहले ये एक डिप करवाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा वाला पैकेज लेना चाहते हैं, तो ये 3 से 4 डिप भी करवाते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मिनिमल वाला पैकेज लिया था, जिसमें एक डिप है और फिर उसके बाद इस तरीके से ये। और ये जो वीडियो हल्की से हिल रही है, क्योंकि ये वही बंदा बना रहा है जो पैरासीलिंग करवा रहा है, तो उसी ने ही बनाई है। और ये देखिए, ये दोनों बहुत एंजॉय कर रहे हैं इस टाइम पर। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप थोड़ा सा और ज़्यादा पैसे वाला पैकेज लेते हैं तो वो आपको थोड़ा ज़्यादा देर हवा में रखेंगे। और ये देखिए, आई थिंक इनके पैकेज में इतना ही था और इनको रिटर्न इन लोगों ने ले लिया है। लेकिन फिर भी इन दोनों को बहुत बहुत मज़ा आया है, हम लोग मेनली इसी चीज़ के लिए यहाँ पर आए थे कैंडलिम बीच में।
और वहाँ से देखने में देखिए दो तरीके से जो होती है, कॉर्नर से होती है और एक ये थोड़ा सा आगे ले जाके जो इन्होंने पैरासेलिंग करवाई है उसमें मेरे बेटे को डॉल्फिन भी दिखाई दे गई थी, वो बता रहा था। तो आपके ऊपर है आप कौन सा वाला पैकेज ऑप्ट करते हैं। ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है कार्ड उनका और इसमें सारी डिटेल्स है, आप जो भी ऑप्शन चूज़ करना चाहें वो आप चूज़ कर सकते हैं। और देखिए ये इसके बाद जेट स्काई हो रही है और जब ये लोग बोट में गए थे वेट कर रहे थे पैरासेलिंग के लिए तो वहाँ से व्यू कुछ इस तरीके का था, समुद्र और केवल आकाश।